पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ हर एक डिपार्टमेंट का हल्ला बोल जारी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमृतसर में जहां खेती बाड़ी सब इंस्पेक्टर कर्मचारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनप्रीत बादल का पुतला जलाकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और वहीं पर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करेंगी, पूरे प्रदेश में इसी तरीके से ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कर ले अपनी पे पैटी के लिए, हमारी पे पैटी जी वेटनरी इंस्पेक्टर के बराबर थी, वो इन्होंने तोड़ दी है। तो उसको बहाल कराने के लिए जरा हमारा रोज धरना वो चौथे दिन में शामिल हो गया। पूरे पंजाब में जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर जरा हमारा धरना चल रहा है लगातार। हाँ, कैप्टन साहब का पुतला फूका है। हमारी मांग नहीं मान रही। हम पिछले काफ़ी समय तो 6 तारीख को हम पटियाला में भी बहुत बड़ा रोज धरना करके आए, वो उसके मोती महल के तरफ भी हमने कूच किया था, रोज धरना करके आए हैं, पर फिर भी हमको जरा वो बुलाया नहीं गया। तो किसानों के जो काम है, हम जो किसान का हमारा सब इंस्पेक्टर का जो 9 मास का रिश्ता है, और जितने भी कर्जा माफ़ी के काम हैं या पीएम किसान निधि का जो 2000 रुपया सेंटर सरकार से आता है किसान के खाते में, वो भी सब कुछ प्रभावित हो रहा है, और किसान जरा वो अपनी जगह परेशान है, हम अपनी जगह परेशान हैं। तो आज हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। आज हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतले को जलाया है। तो हमारी आज मेन मांग है पे पैरिटी में है कि हमारा जो स्केल है 96 में रिवाइज नहीं हुआ। पहले हमारा जो स्केल था वो हमारा पूरा डिपार्टमेंट ही है जो वो वेटनरी वालों के बराबर चल रहा है। जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके भी ग्रेड वेटनरी वालों अफसर के पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन 96 में जब हमने अपनी जैसे महंगाई बढ़ रही थी, हमने अपनी मांग रखी, तो सरकार ने हमें आज तक उसमें कोई रिवाइज नहीं किया। कभी 300 रुपया, कभी 200 रुपया रिवाइज करके, तो हमें बोलते हैं आपकी पे रिवाइज होगी। आप बताओ, जो महंगाई बढ़ाते हैं, जो उनके इकोनॉमी बढ़ती है, तो क्या उसमें क्या कारण है आपकी पे रिवाइज क्यों नहीं कर रही सरकार? क्या कारण है? क्योंकि सरकार का कहना है कि हर वर्ग के लिए ख्याल रखा गया है, विकास किया गया है, तो हर डिपार्टमेंट का खास तौर पर जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनका ध्यान रखा जा रहा है। क्या कारण है कि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, और कितना समय से ये जो आपकी कटौती है जिस तरह से आप बता रहे हैं वो आपकी सैलरी में की जा रही है? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि 96 के बाद हमारा ना ग्रेड रिवाइज हुआ, ना हमें कोई जो पत्ते होते हैं वो मिलते हैं, किसी भी चीज़ का हमारे पे में इंक्रीज नहीं हुआ। उस अमृतसर से अमनदीप सिंह की रिपोर्ट।